नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे तत्काल न्यूज लाइव। मध्य प्रदेश के उज्जैन में जो कुछ हुआ वह बेहद ही शर्मनाक है। इस घटना ने बता दिया कि सामाजिक तौर पर हम सभी कितने पीछे रह गए हैं। बलात्कार का शिकार हुई एक बच्ची मदद की गुहार लगाती रही। तमाम लोगों ने मदद करना तो छोड़िए, उसकी सूद तक नहीं ली। 12 साल की मासूम बच्ची घटना स्थल से 8 किलोमीटर तक बदहवास हालत में हलत चलती रही, लेकिन उसकी किसी ने मदद नहीं की। बच्ची का अब इंदौर के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि पीड़िता 24 सितंबर को स्कूल में परीक्षा देने के लिए सतना जिले में स्थित अपने घर से निकली थी। उज्जैन के SP सचिन शर्मा ने बताया कि परिवार ने सतना के पुलिस स्टेशन में लड़की की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। लड़की का परिवार उसकी तलाश कर रहा था। परिवार को लड़की के बारे में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से पता चला। वीडियो में देखा गया लड़की का खून बह रहा है और वह अर्धनग्न हालत में मदद की गुहार लगा रही थी। इसके बाद ही उज्जैन पुलिस को मालूम हुआ कि पीड़िता सतना जिले की रहने वाली है, जबकि पहले उन्होंने मान लिया था कि लड़की उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली है। पीड़िता के पिता ने बताया कि उन्हें घटना के बारे में तब पता चला जब एक रिश्तेदार ने उनकी बेटी को उज्जैन में सड़कों पर घूमते हुए वायरल वीडियो में देखा। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी 8वीं कक्षा में पढ़ती है और परीक्षा देने के लिए अपने स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन वह घर वापस नहीं आई। उज्जैन जिले के पुलिस ने बताया कि उन्होंने मुख्य आरोपी शहर के ऑटो चालक भरत सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने यह भी पुष्टि की कि लड़की ने सतना से उज्जैन तक की यात्रा की है। हालांकि अभी भी ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस को मिलना बाकी है, जिनमें यह भी शामिल है कि लड़का सतना से उज्जैन कैसे पहुंची, किस वजह से उसे अचानक उज्जैन आना पड़ा और क्या वह अकेली यात्रा कर रही थी या उसके साथ कोई और था। वही आरोपी भरत सोनी को पुलिस ने गुरुवार को घटनास्थल पर ले गई। यहां से उसने पुलिस अभिरक्षा से भागने की कोशिश की और कंक्रीट की एक दीवार से टकराकर वह नीचे गिर गया। इससे उसके पैर में चोट आई। इसके घटना के बाद पुलिस उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंची है। उसे पकड़ने के प्रयास में पुलिस कर्मियों को भी चोट आई है। महाकाल थाने के TI अजय कुमार वर्मा ने बताया कि आरोपी को जब स्पॉट वेरिफिकेशन के लिए लेकर गए थे तो मौका देखकर उसने भागने की कोशिश की और कंक्रीट की दीवार से टकराकर वह नीचे गिर गया।